तो राम राम जी, कैसे हो दोस्तों? आई होप कि आप अच्छे में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भाई अमित सेंड रोती है जी कि मैं काफ़ी सारे अपडेट देता हूँ और देता भी रहूँगा, लगभग सभी कलाकारों की अपडेट आएंगी। तो भाई आज की वीडियो में हमने क्या बात करनी थी, आज की वीडियो में बात करनी थी भाई हमने अमित सेंड रोतिया जी की और गुलजार सन्नी वाले की और भाई दिलेर सिंह खरेकिया जी की। तो हम तीसरे नंबर पर लेते हैं भाई गुलजार सन्नी वाले को। और उनको तीसरे नंबर पे क्यों लेते हैं हम, ये मैं एक बात बता दूं, क्योंकि तीसरे नंबर पे जब से उनका ये मूवी वाला कोई सीन हुआ, जब से वो मूवी बना रहे हैं तब से वो गाने बहुत कम कर रहे हैं और वो तीसरे नंबर पे आते हैं भाई। अब दूसरे नंबर पे बात करेंगे हम दिलेर खरेकिया जी की, जिन्होंने रशिया में सॉन्ग किया था। उनको दूसरे नंबर पर इसलिए लेके आते हैं भाई, उन्होंने सॉन्ग करते हैं लेकिन वो ज़्यादा सॉन्ग नहीं करते हैं, पब्लिक में चलते हैं सॉन्ग उनके बहुत अच्छे, लेकिन उनके मतलब इतने नहीं चलते, चलते हैं सॉन्ग बट इतने नहीं चलते, क्योंकि उनका एक ही सॉन्ग आया अभी तक न्यू रसिया में। और हम पहले नंबर पे बात करेंगे भाई अमित सेन रोतिया जी की, और क्योंकि उनके सॉन्ग भाई हर वीक या दो तीन वीक में उनके सॉन्ग आते रहते हैं और दिल पे मतलब छाए रहते हैं, सॉन्ग चलते हैं अमित सेन रोतिया जी के। तो हम पहले नंबर पर लेते हैं अमित सेन रोतिया जी को। और मेरा किसी का ये नहीं है कि मैंने किसी कलाकार में भेदभाव किया है कि उसको मैंने ये दिखा दिया, उसको मैंने वो दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उनके सॉन्ग भी चलेंगे तो उनको भी मैं एक नंबर पे ही लेके आऊँगा। तो अभी फ़िलहाल तो भाई अमित सेन रोतिया जी के चल रहे हैं, और ये नहीं है कि कई कई महीने में सॉन्ग आते भाई, उनके एक वीक या दो वीक में कोई ना कोई सॉन्ग आ ही जाता किसी ना किसी चैनल से। और दूसरी भाई एक पोस्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये पोस्ट है भाई दिलेर खरेकिया जी की और भाई गुलजार सन्नी वाले की। आपको पता है 6 महीने पहले, 1 साल पहले इनका कुछ आपस में फाइट हुई थी कि किसी के फैन ने किसी को कुछ बोल दिया था। इससे हमको क्या सीख मिली, इससे हमको ये एक ही सीख मिली है कि कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। और जो दिलेर भाई के पास गए हैं, इन्होंने बधाइयाँ दी हैं दिलेर खरेकिया जी ने, और भी बहुत सारे कलाकार गए हैं, और आपस में बनाए रखो, जब सभी भाई सभी अपने कलाकार हरियाणवी कलाकार जब एक हो जाएंगे तो मुश्किल नहीं नामुमकिन है पीछे हटाना, कोई भी अपनी इंडस्ट्री को पीछे नहीं हटा सकता। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, और अगर आपकी नज़र में कोई और है तो भाई कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो कि नहीं भाई दिलेर एक नंबर पर है, गुलजार एक नंबर पर है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम। और एक और छोटी ही बात बता दूँ भाई, परसों एक बहुत धाकड़ अपडेट आप लोगों को देनी है अमित सेन रोतिया जी की, बहुत ही धाकड़ अपडेट है, परसों दे दूंगा भाई उस अपडेट को। और एक बहुत ही प्यारी अपडेट है अमित सेन रोतिया जी के लिए भाई, उस अपडेट का अमित सेन रोतिया जी को भी शायद नहीं पता होगा, उस अपडेट के बारे में किसी को नहीं पता सिवाय मेरे, मुझे उस अपडेट का पता है, मेरे अलावा किसी को नहीं पता है। अगर कोई बताए तो हमें मेरे पास कमेंट कर देना भाई कि तेरे से पहले ये अपडेट किसी ने बताई है, किसी ने भी मेरे से पहले कोई उस अपडेट को नहीं बताएगा, और सबसे पहले मैं ही उस अपडेट को बताऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, लव यू। और जितने भाई भी जुड़े हैं चैनल ना सब्सक्राइब कर दो, वीडियो ना लाइक कर दो, धुम्मा ठा दो, आग लगा दो। राम राम, लव यू ऑल।